हेलो माय डियर सीएसईटी चैम्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइनली द मोस्ट हॉट टॉपिक, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। आप बोलते हो कि दीदी वाइवा वोस के जगह ये वाला सब्जेक्ट आ चुका है, 30 मार्क्स का सब्जेक्ट है। करंट अफेयर्स तो हमने अच्छे से पढ़ लिया है, उसकी प्रिपरेशन भी हमारी अच्छे से हो गई है, लेकिन प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स अभी भी थोड़ा सा यू नो इट्स इन द डार्क मोड। हमें पता नहीं है कि कैसे प्रिपेयर करना, क्या करना, और इसका सिलेबस भी कहीं अवेलेबल नहीं है। तो लेट मी गिव अ गुड न्यूज़ टू ऑल ऑफ यू। आज मैं शाम को 7 बजे आने वाली हूँ वन लाइनर्स लेकर, जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन के हैं। और उसके साथ साथ उसके बाद जब हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन के वन लाइनर्स हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको भी पता है कि इंस्टीट्यूट ने एज सच कुछ सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन जब उन्होंने सिलेबस इशू किया था तब उन्होंने बताया था कि प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर क्या क्या चीजें आएगी। तो चलिए देखते हैं एक बार कि क्या क्या चीजें कवर्ड है। सबसे पहले अगर यहाँ पर आप देख सकते होगे तो मैंने आपके लिए निकाल के रखा है, सबसे पहले है लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 5 याद है ना आपको? यस, मुझे भी याद है। उसके बाद उसके अंदर कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस और वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, ये सारी चीजें जो कि हम कहाँ करते हैं कवर, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में। मैंने आपको बोला था तब भी जब हम मैराथन कर रहे थे और तब भी जब हम अभी वन लाइनर करने वाले हैं कि वो वाले चैप्टर्स पीसीएस से लेकर काफी इंपॉर्टेंट है। पीसीएस मतलब प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो सेकेंड इसका पार्ट दिया हुआ है रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग, शॉर्ट नोट राइटिंग, करेक्टिंग अ गिवन पैराग्राफ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, करेक्टिंग अ गिवन पैराग्राफ तो मैंने कहीं सुना सुना सा लग रहा है, चैप्टर नंबर 3 ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इफ यू गाइज रिमेम्बर। ओके, ये भी हम इसके ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज शाम 7 बजे। यस, इट्स 2nd of May। आज मेरा बिजनेस कम्युनिकेशन का जो वन लाइनर का बूस्टर है उसके साथ साथ हम लोग बूस्टर के बाद ये पूरा चीज सब कुछ सॉल्व करने वाले हैं। एंड लास्ट इसमें जो 4th पार्ट है दैट इज ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके अंदर ये वाला वाइवा वो से ज्यादा रेलिवेंट टॉपिक है और हमें इतना ये टॉपिक नहीं आने वाला है क्योंकि हमारा तो MCQ फॉर्म में है। यू गाइस, बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि ये जो 30 मार्क्स है ना, ये आपको फ्री के मार्क्स है। ऐसा आप समझ लीजिए कि सिर्फ आपको बिजनेस कम्युनिकेशन अच्छे से पढ़ना है और 50 मार्क्स के साथ 30 मार्क्स फ्री फ्री फ्री, ऐसी वाली बात है। तो आइएगा जरूर आज शाम 7 बजे। सबसे पहले हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन के वन लाइनर सॉल्व करेंगे जब वो हो जाते हैं सारे के सारे वन लाइनर्स सारे चैप्टर्स के, उसके बाद हम लोग प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। डायलॉग राइटिंग हो गया, प्रेसी राइटिंग हो गया, ये सारी चीजें पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्चुअल में, वो सारे हम एक बार सॉल्व कर लेंगे। तो इसके आगे तो और कुछ बचा ही नहीं है, बाकी सब तो आपका वैसे ही हो चुका है। ऑल राइट गाइज, सी यू सून, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, आओ जो 7 बजे, ठीक है, ओके बाय।